ये रस्सी मैंने पता है अंकल को क्या बोल के ली, मैंने बोला लटकना है। सनी देओल को बुलाओ, दर्जी को पता नहीं क्या, दर्जी को बोला कि जीप गला खुलो। नहीं नहीं इधर तक ठीक है, यहाँ तक ठीक। क्यों भाई तुमको क्या है, हमको हॉट ड्रेस सिलवानी है। दर्जी हो तो मैं पाठ करने गई थी तो मम्मा ने सोचा कि खाना ठंडा ना हो जाए, इसलिए मम्मा ने डीकैथलॉन की जैकेट के नीचे खाना छुपा के रखा। वाओ देखते हैं ठंडा हुआ है कि नहीं। ठीक है, हाँ गर्म है यार बहुत। चोमो को नहलाने वाले हैं, बेचारा डर के बिस्तर में घुस गया। चोमो गर्मियों में तो नहा ले यार, चल मुस्तंटे उठ। मैं नहीं नहाता हूं। चल दफा काटने आ गया ना अगर आपको। राम कहाँ जाऊँ, जिंदगी में कोई जगह नहीं सुझी थी। आ मेरे बेड पे आ जा, आजा चुम्मू, आजा तूने देखना, हाय मेरा बेटा, हाय हाय चुम्मू चुम्मू चुम्मू, आजा मेरे बेड पे, आजा मेरे बेड पे, आजा मेरे बेड पे, आजा चुम्मू मेरे बेड पे आजा। मैं तेरे को बचाऊंगी, मैं तेरे को बचाऊंगी, मैं तेरे को बचाऊंगी चुम्मू, मैं तेरे को बचाऊंगी, मैं तेरे को बचाऊंगी चुम्मू, मैं तेरे को बचाऊंगी चुम्मू। चुम्मू घुस जाती पिस्तर के अंदर, चुम्मू मेरे बेटे को बदल लाओ। हाय बेचारा, सॉरी चुम्मू मैं हमको नहीं बचा पाई। ये देखे इस घटिया, इन घटिया लोगों को देखो, ये क्या रस्सी मैंने पता है, रस्सियां शस्सियां लेके चुम्मू को बांध रहा है बेचारा कुत्ता है यार। रस्सी मैंने पता है अंकल को क्या बोल के ली थी, अंकल पूछते हैं पर्पस क्या है इस रस्सी का। मैंने बोला लटकना है। अच्छा लटकना है, कितना वजन है आपका? वो लटक लोगे, मतलब अंकल समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, बट मैं डबल भी नहीं करने की कोशिश कर रहा। अच्छा, बट अंकल समझदार। और सोच तू सच में लटक जाता इससे, और फिर अंकल को खबर मिलती कि आपकी दुकान से एक लड़का रस्सी लेके गया, वो लटक गया, और लड़के ने बोला भी था कि अंकल लटकना है, अंकल गिल्ट पे, गिल्ट पे चला जाए। हाय मम्मा ये क्या कर रहे हो यार, उसको ड्रामा दे रहे हो यार। तो आखिरी इच्छा बता दो आपकी, क्या आखिरी इच्छा? आखिरी इच्छा ये है कि मुझे छोड़ दो। हे राम, आए आए बेचारा, आए आए बेचारा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। लोकेशन चेंज, लोकेशन चेंज। चोमू की एक्सक्लूसिव मैन। पागल हो गया मैं, पागल हो गया मैं, टल्ली मैं, टल्ली मैं, टल्ली हो गया। चोमू इधर बहुत सुंदर हुआ कि नहीं? ए सुंदरता की बाढ़ में क्या करूं, पागल हो गया कुत्ता, पागल हो गया। स्पेशल टॉवल कौन सा मांगू इसके लिए? ए राम, चोमू ना सोफा, यहाँ पे यही पे मेहमानों को बिठाते हैं हम। बिठाते हैं तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक इसमें चोमू की बोन है। चलो 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 अंदर चल के खाते हैं, नहाने के बाद ट्रीट मिलेगी आपको आज। ये बोन आ गई, बोन आ गई, बोन आ गई। सेट सेट, बहुत देर बाद ट्रीट खा रहा है बेचारा। तो ये मैंने चिड़ियों के लिए घर मंगवाया, सही है ना, दो मंगवाया। अरे ये क्या दाग, तू पीछे हट यार, कहाँ लगाए इनको? ऊपर हाय, बिल्ली पहुंच जाती है? नहीं पहुंचेगी बिल्ली, एक लगा दिया यहाँ पे, देखते हैं कोई चिड़िया आती है कि नहीं। दो पागल कुत्ते, दो पागल कुत्ते एक साथ खेलते हुए। अच्छा पकड़ने देना उसको, ना चुमू ड्रायर लगाने देता है, ना चुमू टॉवल, ना चुमू ड्रायर लगाने देता है, ना चुमू यार क्या बना रहा है बताना, लगा कब से कैसे क्या बनाया ये घोड़ा? सही में घोड़ा काम क्यों नहीं कर रहा तेरा? ले हो गया, चल निकल अब। तो मैं गई थी और मैंने कल अंकल को बोला कि स्ट्रॉबेरी का पेड़ लेके आना, तो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। सबको बोला मेरे को दे दो, बरगड़ करती हूँ मैं, मजाक थोड़ी है बेटा, बहुत भारी है कुछ ना। स्ट्रॉबेरी ले लो। मम्मा ये देखो क्या लाई, चुप चुप कितना सुंदर लग रहा है वीडियो में। मम्मा स्ट्रॉबेरी, ये देखो इसमें ऑलरेडी एक स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है, खा लूं निकाल के? स्ट्रॉबेरी लगी नहीं नाल, आए हाय लगी नहीं ना, आया तो खोले, ये मुटेगा इसके ऊपर। अरे मैं सुसु करूंगा ना, तो फिर देखना कैसे उगता है पेड़ इसका। घर के लकाट, घर पे लगा लो, घर टांट लगा लो इसका। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हुआ, पान बता रहा हूँ ये तीन खाऊंगे। तो आज मैं साइकिल सीखने राधे सीख रहा हूँ, मैं सिखा रही हूँ। 12th क्लास का लड़का साइकिल सीखते हुए कह रहा है, 12th क्लास का लड़का साइकिल सीखते हुए, एज इज जस्ट अ नंबर। ओके मेरे को पूछ रहा आपको साइकिल नहीं आती? अभी जो लड़का एक पेडल नहीं मार पा रहा था, देखो पूरी साइकिल चला रहा है। अगर आपको मुझसे क्लासेस लेनी है तो डीएम करे। चुप उधर तक, वो पहले ही है, वो पहले
मुंह से पानी आ रहा है। खाने वाली चीज है क्या? हाँ डग। टंकी खाली है। आहो। टंकी खाली है, जो कुछ खाया नहीं। चिड़ियां खिलाए। दो कुत्ते हमारे घर में। दो बातें समझ में नहीं आती। एक, जब तुम उनको प्यार करती हूँ तो मेरे मुंह से ले क्यों निकलती है? ऐसे करती हूँ। दूसरा, जब मैं हाथ धोने वाली होती हूँ फिर मेरे को बड़ा दुख लगता है कि हाथ धोने से पहले थोड़ा और प्यार कर लूं जम्मू को। The next day. घर में चल रही है मरम्मत, पता नहीं किस चीज की। किस चीज की राघो? सारा पानी लीक हो गया था वहाँ पे, हम कर रहे हैं। खुद कर रहे हो? प्लम्बर को नहीं बुलाया? प्लम्बर को बुलाया, मगर ये छोटा मोटा काम हम खुद करेंगे। 500 रुपए बच रहे हैं। आई मारना पे। राघो 500 रुपए बचा रहा है। इंजीनियरिंग करी है तो वह कहीं ना कहीं तो उपयोग कर उसको। इंजीनियर तो कुछ भी कर सकते ना, है ना मम्मा? 2.5 लाख खर्चा किया पूरा, 2.5-3 लाख। सही में इतने पैसे कहाँ से आए? सही में कहाँ से आए इतने पैसे? कहाँ से? किस पे? 2.5 लाख राघव पे खर्चने के लिए। राघव पे? राघव की कोचिंग पे पहले कितने पैसे लगे? इतने पैसे कहाँ से लाए ये बताओ ना। पापा ने कमा के लगाए ना। सही में? पापा को बोलो थोड़ा दवारों पे भी लगा दे। जस्ट कडिंग। बहुत जल्दी हम अपने घर को थोड़ा सुंदरू मुंदरू बनाने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। वाह, चिड़ियों को पॉपकॉर्न डालने में। क्या गर्म कर रहे हो? ये खुल नहीं रहा है, एक्सपेंड करेंगे खुल जाएगा। कैसे? ये गर्म करके बाहर वाला एक्सपेंड हो जाएगा ना, फिर खुल जाएगा। तो अंदर वाला एक्सपेंड नहीं होगा? नहीं, बाहर वाला पहले गर्म हो रहा है। गर्म हो गया, हाथ नहीं लगाना। ये सिर्फ ठंडा, बाकी सारा गर्म। देखते रहो, कर पता है कि नहीं। मैं करूँ, मैं जिम जाती हूँ। ये दांत कट ही नहीं रहे। ये टाइट ही नहीं हो रहा। तो ये टाइट ही नहीं हो रहा, ये अपने आप टाइट होता है। क्या तो साथ ही पढ़ाया सी ना इंजीनियरिंग, चापो टाइट होती। अब नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं। अभी भी नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। मम्मा बेस्ट करके आए अपना जी। मम्मा ट्राई करेंगे। मम्मा को लगता है मम्मा में राघव से ज्यादा जान है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या रहा है ये? मम्मा में मेरे से 3 टाइम्स ज्यादा दिमाग है और मेरे में राघव से 50 गुना कम। भाई डोला देख रहे हो? डोला तो ज्यादा है। चलो डोला ज्यादा है मम्मा से। चलो जी लास्ट ट्रायल है। इसको भी उतारना राघव। हैंड पंप क्यों उतारना है भाई? ये काम नहीं करता। सनी देओल को बुलाओ। तो वो वाली मूवी गदर। जान ही नहीं राघव में यार। क्या करनी है इशू इस पे? चाहिए मेरे को दे, मेरे को लगता है मैं खोल लूंगी। हाँ तेरे को लगता है बड़ा आसान। हैंड पंप क्यों निकालना? पानी का फंक्शन नहीं ना इसमें। पाइप तो करो ना पानी का फंक्शन इसमें। देखते देखते राघव कितना बड़ा हो गया। जो काम पहले पापा करते होते थे वो अब राघव करता है। हेलो गाइस, मैंने 3 नए सूट सिलवाए हैं, उसमें से एक ये है। और जब भी दर्जी को बोलो कि मेरी कमर पतली है, यहाँ से थोड़ा सा टाइट रखो, वो हमेशा यहाँ से टाइट कर देते हैं। पता नहीं क्या आइडियोलॉजी है दर्जी की। और उनको कहो कि यहाँ से टाइट करो तो कहेंगे कि नहीं नहीं आप इसको पहन नहीं पाओगे। पहन नहीं भाई, तेरी हेडेक है। तू घर आके भाई, तुम्हारी दर्जियों की हेडेक थोड़ी है कि वो आके हमको नीचे कराएंगे शर्ट। नहीं जी, नीचे नहीं होगी शर्ट, आप टाइट वाइट करो भाई। वो मेरी हेडेक है शर्ट नीचे करना, तुम्हारी नहीं। दर्जियों को पता नहीं क्या डीप गला सिल। नहीं डीप दर्जियों को बोलो कि डीप गला सिलो। नहीं नहीं, इधर तक ठीक है, यहाँ तक ठीक। क्यों भाई, तुमको क्या है? हमको हॉट ड्रेस सिलवानी है। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम हमारे अब्बा लगते हो। बदतमीज, ये कुछ नहीं डालना इसे। मैं मारूंगी थप्पड़। सारे को डालूंगी ठीक है। दर्जियों थोड़ी शर्म करो, ज्यादा सूट बोलो। देखो यार, ये देखो यार, यहाँ से खुला सूट इतना लटक रहा है। जस्ट किडिंग। दर्जियो, आई एम नॉट किडिंग। क्यों, मतलब क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, लड़की दुखी करती है मेरे को। देखो कितनी बात, मतलब उसको बोला नहीं, कि नहीं उसको बोला कि यहाँ कमर से टाइट कर, तो सोचता नहीं नहीं कमर से टाइट करनी नहीं है बिल्कुल, यहाँ से टाइट कर गया, यहाँ से फंस गया, फांसी ली जा रही मेरे को। तो मतलब उसको जाके बोलो दर्जी को कि यहाँ से टाइट करे। सलवार दिखाते हैं आपको, सलवार कैसी बनाई है। जस्ट लुक एट दिस, इतनी कमर बनाई है दर्जी ने। व्हाट इज दिस? दिस मच, मतलब उसको बोला, उसको दर्जी को मम्मा ने बोला कि ये तो बहुत टाइट है। कहता नहीं नहीं, वो बड़ी पतली है, उसको फिट आ जाएगी। वो पतली है तो ये शर्ट क्यों खुली सी ली? अब्बा जी नहीं, ये सलवार भी इतनी मुश्किल से मैंने पहनी है, इतनी टाइट कमर, इतनी टाइट। मतलब मैं एक बार रोटी खाऊंगी। व्हाट इज दिस दर्जियो? दर्जियों को बोलो डीप गला सिलो। नहीं नहीं, डीप गला नहीं नहीं। मैं दर्जियों को प्रॉब्लम क्या है कि हम डीप गले पहने, उसमें दर्जियों का क्या जाता है? ये कुछ नहीं पहनते। नहीं, सीरियसली बचपन से लेके आज तक जितने भी दर्जियों को मतलब थोड़ा सा भी फैशन करने वाला कोई ड्रेस सिलना हो तो कहते नहीं नहीं नहीं। आपने देखा, आपने नोटिस किया है बात की नहीं? आप खुद बताओ, हम कपड़े सिलाते थे वो फुल बाजू, इतनी खुली शर्ट, इतनी खुली सलवार। ये कलर मेरे पे अच्छा लग रहा है यार, मुझको लग रहा था मैं आंटी लगूंगी इस कलर। यहाँ से पहना गुलाटी वाला गला, बंद बंद गुलाटी वाला गला। अभी दूसरा सूट पहन के दिखाती हूँ आपको। मतलब ऐसे मेरे को सोबर कलर अच्छे लगते हैं, वो पिंकी पिंकी मैंने ऐसे ही ले लिया। लग रहा है आई एम प्रेग्नेंट।
भाई थोड़ा तो ऐसे सिलो कि ऐसे ये सूट के आगे ऐसे ऐसे हो जाता है यार, एटलीस्ट वो तो ना हो। मेरे को तो बोल रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा सूट सिलो। नहीं किया उसने ये ठीक, क्या कहाँ किया? व्हाट इज दिस? ऊपर से टाइट तो नहीं है? ऊपर से ठीक है। ये सूट मम्मा सिलवाने वाले थे, मम्मा लेके आए थे और मम्मा दर्जी को दे भी दिया था, तो फिर मैंने मम्मा से छीन लिया कि नहीं ये कलर बहुत सोबर है, मुझे अच्छा लगेगा। ब्रो जिम गर्ल प्लस ट्रेडिशनल। कौन बनाएगा वीडियो? वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी है, अगर मेरी जिंदगी मौत पे आई हुई है। ना चोमू ड्रायर लगाने देता है, ना चोमू ड्रायर लगाने देता है। चुम बोले देना, वापिस जा ना बोलू डायलॉग। ना चोमू ड्रायर लगाने देता है, ना चुमू ड्रायर लगाने देता है ना चुमू टॉवल से सुखाने देता है।